2015 से बढ़ाया नहीं है, 4 का सफेदा है, 12% हिसाब से और सफे का 4 गुना मार्जिन जो देहात के हैं, देहात के रहेंगे, देहात की मांग है हमारी, जो नोटिफिकेशन किया है ना जो सही का कर दिया है उसको वापस ले प्रशासन करें, उससे पहले जमीन दे नहीं पाएंगे, 4 गुना मार्जिन हमको। अभी मुख्यमंत्री जी ने गोल मोल जवाब दे देंगे, प्रशासन से वार्ता की जाए, प्रशासन वाले से बात कर लीजिए, वार्ता करेंगे हमसे, हम प्रशासन का सहयोग करने तैयार हैं। क्या चाहते हैं जिस तरीके की आप मांग कर रहे हैं और सरकार अगर मान लीजिए आपका जो शहरीकरण कर रही है, अगर कहीं ना कहीं ये रोड़ा बनता है, आपकी मांग रोड़ा बनती है तो एयरपोर्ट से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, रोड़ा बरकार है, गवर्नमेंट रखाएगी, प्रशासन है, शासन रखेगा, हम नहीं बनाएंगे, हमको तो जो 2-3 का भूमिगत बिल है उसके आधार पर 4 नंबर ये है भाई। मांग तो हमारी ये है कि सरकार मतलब ये जेवर तहसील में 3 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है। दूसरी बात ये है कि 16 गांव 18 मई में जबकि प्योर देहात हैं उसको शहरीकरण में बदल दिया है, क्योंकि किसानों को अच्छी तरह मुआवजा ना मिल सके, जबकि देहात है वहाँ कोई महाविद्यालय नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है, अस्पताल नहीं है, सरकारी कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना तुम्हारे रोडवेज बस स्टैंड है, तो ये सारी चीज ना होते हुए भी और अपने तहत शहरीकरण दिखा दिया है, केवल के शहरों मतलब किसानों को मुआवजा कम दिया जाए, कम से कम मूलभूत सुविधा न होने पर फिर भी हमें शहरीकरण, और फिर हमारे जो ग्राम प्रधान हैं जो चुनकर के जनता ने बनाए हैं उनका भी अस्तित्व खत्म। क्यों अगर आप ये बताइए कि अगर आपको प्रशासन नहीं सुनता है तो आपकी ये मांगे कब तक रहेंगी, या प्रशासन इस तरीके से एयरपोर्ट का काम बहुत तेजी से चल रहा है तो कहीं ना कहीं आप ना प्रशासन अगर गंभीरता से किसानों से वार्तालाप करे और किसानों की बात अच्छी तरह सुने तो हम लोग चाहते हैं कि जेवर में बने। इनका मूल्य तो मैं बताऊं ना, हम प्योर देहाती हैं, प्योर देहात है, उसका गवर्नमेंट की तरफ से 4 गुना रेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन इन्होंने ये चालाकी की है कि 3 से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है और इसके बाद में उसको देहात को शहरीकरण में बदल दिया है। मुख्यमंत्री जी ने उस संदर्भ के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा है कि जहां आप विकास चाहते हो तो विकास के लिए किसान भाइयों को कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, जो हम प्रतिकर दे रहे हैं उस प्रतिकर पर आप ज़्यादा ना अड़ें, बाहरी लोगों का यहां किसी प्रकार का आप अपना नेतृत्व न कराएं, हम आप यहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यहां के जो विधायक हैं, यहां के जो सांसद हैं, उनसे बार बार वार्ता करें, वार्ता का जो स्थान है उसे न छोड़ें, वार्ता लगातार करते रहेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने इस बात के लिए कुछ नहीं कहा है कि जो सरकार ने अपनी मंशा का स्पष्टीकरण कर दिया धोखाधड़ी किसानों के साथ में, कि जो नोटिफिकेशन उन्होंने 18 मई 2018 को किया है कि आप ग्रामीण से जो अर्बन हो गए, ये जानबूझ करके इस प्रतिकर को दोगुना देने के आशय से किया गया, जिससे यहाँ का किसान कोई संतुष्ट नहीं है, और उसके संदर्भ में चाहे एयरपोर्ट बने या एयरपोर्ट ना बने, कोई भी किसान विधेयक के अनुसार 4 गुना मुआवजा लेने से कोई तैयार है, उसे नीचे जमीन लेने को तैयार है।